नमस्कार मैं शशि आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं झारखंड के लोगों को बड़ी राहत 40 से हजार सैलरी वाली 75 प्रतिशत नौकरी लोकल को झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत सीटें स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है इस निर्णय के आलोक में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपनी तैयारियाँ शुरू भी कर दी है निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों को एक माह के भीतर स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम दो के प्रावधानों के तहत अपना निबंधन कराना अनिवार्य किया गया खासकर वैसे सभी कर्मियों का भी तीन माह के अंदर नामांकन कराना होगा जिनका वेतन चालीस हजार या इससे कम है श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अधिनियम के इन प्राविधानों का सख्ती से लागू करने के निर्देश सभी जिला नियोजन पदाधिकारियों को दिए हैं निजी कंपनियों को सूचित करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है ऐसे में अब आवश्यक है कि इस प्रविधान के तहत नौकरी के अवसर सभी को मिले विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कोई भी कंपनी स्वयं निबंधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला नियोजन पदाधिकारी कार्यालय में जाकर कर सकते हैं जिसके बाद तीन कार्य दिवसों के अंदर पोर्टल पर ब्यूरोन अपलोड किया जाएगा झारखंड में तीन से पाँच तक होगी बारिश उत्तर पूर्व और इसके आसपास बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है इसका असर झारखंड समेत पड़ोसी राज्य बिहार में भी देखने को मिलेगा इसका प्रभाव तीन से पाँच अक्टूबर तक झारखंड के सभी हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है अभी तक के पूर्वानुमान के मुताबिक दुर्गा पूजा में भी वर्षा की खलल पड़ सकती है मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अगले एक सप्ताह तक देखने को मिल सकता है जैक बोर्ड नौवीं और ग्यारहवीं की बोर्ड परीक्षा दिसंबर और अप्रैल में मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का पंजीयन फॉर्म एवं कक्षा नौ व ग्यारहवीं बोर्ड 2023 के विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म 19 नवंबर तक जमा लिया जाएगा नौवीं व ग्यारहवीं बोर्ड परीक्षा दो टर्म में ली जाएगी प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर व दूसरे चरण की परीक्षा अप्रैल में होगी बता दें परीक्षा में बहुवैकल्पिक अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा के लिए जे ने सिलेबस जारी किया है दोनों टर्म के प्रवतांक के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा जैक ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है पंजीयन व परीक्षा फॉर्म चार नवंबर तक जमा होगा जबकि विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म पाँच नवंबर से उन्नीस नवंबर तक जमा होगा झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक सात अक्टूबर को सीएम हेमंत भरेंगे जो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक सात अक्टूबर को रांची के सोहराय भवन में होगी इस बैठक में राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर विमर्श के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा होगी बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी विमर्श होगा बैठक में स्वच्छता अभियान को गति देने की रणनीति बनेगी इसके लिए केंद्रीय समिति के सदस्यों के अलावा जिला अध्यक्ष हो जिला सचिवों प्रखंड अध्यक्ष हो और प्रखंड सचिवों को भी बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है बता दें रविवार को झामो की केंद्रीय समिति के सदस्य विनोद पांडे ने बैठक को लेकर केंद्रीय समिति सदस्यों को पत्र जारी किया केंद्रीय समिति के सभी सदस्यों जिला अध्यक्षों और जिला सचिवों से आग्रह किया गया है कि वे अपना बकाया केंद्रीय अंशदान की राशि भी बैठक में अपने साथ लेकर आए रामगढ़ के माँ निमस्तिका मंदिर में महिला ने सीने पर नौ कलश रख साधना में लीन झारखंड के रामगढ़ जिले में नवरात्र में भक्तों की आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं अब अपनी अपनी तरह से शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने में लगे हैं बता दें दुर्गा पूजा में कोई नौ दिनों तक उपवास रखता है तो कोई सिर्फ जल ग्रहण करता है कुछ भक्त माँ के दरबार में सेवा करते हैं तो कोई घी का दीप जलाकर माँ को खुश करने में लगा रहते हैं लेकिन माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के पास यज्ञशाला में बिहार से पहुंची एक महिला श्रद्धालु लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है यहां बिहार के औरंगाबाद जिला अंतर्गत घोड़दौड़ निवासी मुन्ना सिंह की धर्मपत्नी चंचला देवी अपने सीने पर नौ कलश रखकर मां की आराधना में लीन है उनके परिजन ने बताया है कि चंचला देवी पिछले नौ वर्षों से प्रत्येक नवरात्र में इसी तरह देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सीने पर नौ कलश रखकर पूरे नौ दिन की कड़ी तपस्या में लीन रहती है झारखंड के 1200 सौ होमगार्ड दस अक्टूबर से लेंगे ट्रेनिंग राज्य के विभिन्न जिलों के 1200 महिला पुरुष होमगार्ड जवानों का प्रशिक्षण चार ट्रेनिंग सेंटरों पर होगा यह प्रशिक्षण 10 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगा रांची लातेहार गुमला रामगढ़ जमशेदपुर चाईबासा बोकारो देवघर दुमका साहेबगंज गोड्डा पाकुड़ व जामताड़ा के दो, दो पुरुष व एक महिला होमगार्ड की ट्रेनिंग धुरवा स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में होगी जबकि खुट्टी गढ़वा पलामू लातेहार जमशेदपुर चाईबासा सराय किला गिरिडीह व साहेबगंज के 400 पुरुष होमगार्ड का ट्रेनिंग क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में होगी इसी तरह रांची गुमला सिमडेगा लोहरदगा हजारीबाग रामगढ़ चतरा कोडरमा धनबाद व बोकारो के 400 पुरुष होमगार्ड की ट्रेनिंग दुमका में होगी इस संबंध में होमगार्ड मुख्यालय से संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है झारखंड के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बाईस हज़ार सीटें खाली राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बाईस हज़ार सीटें रिक्त हैं जिलों द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दी गई जानकारी के अनुसार स्कूलों में कुल एक लाख छः हजार पाँच सौ पचहत्तर छात्राओं के नामांकन का प्रावधान है जबकि वर्तमान में विद्यालयों में चौरासी हजार तीन सौ पंद्रह छात्राएँ अध्ययनरत हैं विद्यालयों में फिलहाल बाईस हजार दो सौ साठ सीटें रिक्त हैं बता दें बोकारो गढ़वा गुमला सिमडेगा रांची गोडा व चतरा में पचहत्तर फीसदी से अधिक सीटें रिक्त हैं इन जिलों के नामांकन प्रभारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी करने का निर्देश दिया गया है राज्य में कुल 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं इनमें कक्षा छः से बारहवीं तक की पढ़ाई होती है राज्य में सबसे अधिक पंद्रह विद्यालय पश्चिमी सिंहभूम जिले में हैं वहीं गढ़वा में चौदह रांची में तेरह गिरिडीह पलामू में बारह बारह दुमका हजारीबाग छात्रा व गुमला में दस दस विद्यालय हैं हाँ। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास का पैसा लेकर घर नहीं बनाने वालों से वसूल की जाएगी पूरी राशि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पैसे लेने के बाद भी घर नहीं बनाने वाले लोगों से योजना की राशि वसूल की जाएगी नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को इससे संबंधित निर्देश दिया है उसमें कहा गया है कि राशि लेने के बावजूद निर्माण नहीं करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनसे रुपए की वसूली सुनिश्चित करें विभाग ने निकायों से योजना के क्रियान्वयन की रिपोर्ट भी मांगी है साथ ही वसूली की राशि सरेंडर करने का निर्देश दिया है बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो राज्य में अब तक लगभग तिरानबे हज़ार आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया है वहीं लगभग पचासी हज़ार आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है जेएसएससी फिर दे रहा मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए आवेदन का मौका मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि में फिर संशोधन किया गया है आप 10 अक्टूबर से आवेदन पत्र भरे जाएंगे अभ्यर्थी 10 नवंबर तक आवेदन जमा कर सकेंगे हजारीबाग में बस ट्रक में सीधी भिड़ंत चार की मौत उनतीस यात्री घायल झारखंड के हजारीबाग कटम सांडी मुख्य मार्ग पर कनौदा घाटी मोड़ पर रविवार को एक यात्री बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई यह हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही चार बस यात्रियों की मौत हो गई जबकि उनतीस यात्री बुरी तरह जख्मी हो गए हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई स्थानीय लोगों ने घायलों को हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती कराया झारखंड के चार देवी पीठों में सोलह दिनों का नवरात्रि अनुष्ठान नवरात्रि पर नौ तिथियों में देवी के नौ रूपों की पूजा आराधना होती है लेकिन झारखंड में चार ऐसी देवी पीठें हैं जहाँ शारदीय नवरात्रि पर सोलह दिनों का अनुष्ठान होता है विशिष्ट परंपराओं मान्यताओं और ऐतिहासिक कहानियों वाले इन देवी स्थलों पर हर नवरात्रि में बड़ी तादाद में श्रद्धालु जाते हैं बता दें इस वर्ष छब्बीस सितम्बर को नवरात्रि की शुरुआत हुई है जिसका समापन आगामी चार अक्टूबर को होगा झारखंड के इन चार मंदिरों में सात दिन पूर्व उन्नीस सितंबर को जितिया नामक व्रत के अगले दिन यानी आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी को कलश स्थापना के साथ नवरात्र अनुष्ठान प्रारंभ हो गए हैं अपराधियों ने चिकित्सक पर नहीं सरकार पर किया हमला मंत्री शनिवार की रात बोकारो के चर्चित सर्जन डॉक्टर इरफान अंसारी के ऊपर घर जाते वक्त सेक्टर बारह थाना क्षेत्र के तेतुलिया के पास अपराधियों ने ताबड़तोड़ उनके वाहन पर फायरिंग कर दी थी जिसमें वह बाल, बाल बाल बच गए थे इस घटना के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने डॉक्टर इरफान अंसारी के मखदूमपुर स्थित आवास पहुँचे जहाँ मंत्री ने चिकित्सक से घटना की जानकारी ली और बोकारो के डी एसपी को सुरक्षा देने का निर्देश दिया मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जब तक हैं हाँ, तब तक अगर चिकित्सकों पर हमला होगा तो यह सरकार पर हमला होगा दुर्गा पूजा को लेकर गुमला में बड़े वाहनों की सुबह आठ बजे से नो एंट्री दुर्गोत्सव की धूम धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल और माता का कर दर्शन करने में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है दुर्गा पूजा और दशहरा में लोगों को घूमने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए गुमला पुलिस ने बसों के ठहराव में बदलाव किया है दो अक्टूबर से पाँच अक्टूबर तक बसों शहर के बस पड़ाव में खड़े नहीं होंगे बसों को खड़े करने व यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए चार रूटों का निर्धारण किया गया वहीं एस पी डॉक्टर एहतसाम वकारीब ने बताया है कि दुर्गा पूजा के मद्दनज़र आमजनों की सुविधा के लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है नो एंट्री सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक रहेगी कोयलांचल में दुर्गोत्सव की धूम श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ कोयलांचल का पूजा पंडाल सज धज कर तैयार है आकर्षक विद्युत सज्जा से पूरा शहर रोशन हो गया है पूजा पंडालों के पट खुलने के साथ ही माँ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है दो साल के कोरोना काल के बाद पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई पंडालों में धूप दीप की सुगंध वातावरण में पवित्रता भर रही है वहीं माँ के दर्शन में कोई परेशानी न हो इसके लिए स्वयं सेवक और कमेटी के सदस्य कमान संभाल चुके हैं धनबाद के झारखंड मैदान में बने पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी वहाँ पंडाल के समक्ष लगे मेला में लोगों की भीड़ उमड़ी है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा हमें गांधी जी के विचारों पर चलना है मानगो स्थित गांधी मैदान में गांधी जयंती के अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर भी पुष्प अर्पित करते उन्हें भी नमन किया इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि आज इस पावन अवसर पर वह अपनी श्रद्धांजलि देश के महापुरुषों को अर्पित कर रहे हैं हमें गांधी जी के विचारों पर चलना है गांधी जी भले ही आज नहीं है लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है बापू के पद चिन्हों पर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है रेलवे ने जारी किया बोनस अठहत्तर दिनों के सत्रह हजार नौ सौ इक्यावन रुपये मिले रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले दुर्गा पूजा बोनस भुगतान का आदेश जारी कर दिया है बोर्ड के आदेश के साथ ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दो अक्टूबर की शाम तक रेल कर्मचारियों के बैंक खाते में बोनस की रकम पहुँच चुकी है बता दें पिछले कई बार की तरह इस बार की रेल कर्मियों को अठहत्तर दिनों के बोनस के तौर पर सत्रह रुपए ही मिले हैं इससे पहले उनके चार फीसद डीए बढ़ोतरी को भी हरी झंडी मिल चुकी है आई पूजा मैडम बीमार हो रही तरह तरह की चर्चा झारखंड अक्सर तरह तरह के खुराफतों के चलते देश दुनिया में चर्चा में रहता है कुछ महीनों पहले ही यहां के चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के हाथे चढ़ गई है वे अभी जेल में थी हालांकि कुछ दिन पहले मैडम अचानक बीमार हो गई उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया इस बीच सत्ता के गलियारे में मैडम की बीमार को लेकर कई चर्चाएँ शुरू हो गई है बता दे एक जिले के सिविल सर्जन साहब मिठाई के डिब्बे में ही निपट गए ऐसे धरे गए कि निलंबन से लेकर लाल घर जाने की नौबत आ गई है नाम तो बड़ा रखा था काम छोटा कर गए नाम बड़े और दर्शन छोटे दवा दारू वाले महकमे से लेकर पूरे सचिवालय के गलियारे में इनकी चर्चा है देवघर में हथियार के साथ पकड़े गए 11 अपराधी देवघर दुमका मार्ग पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के हिंडोलावर गांव के पास पुलिस ने हथियार के साथ 11 आरोपितों को पकड़ा है इनके पास से एक लोड 9 एम का पिस्तौल पांच गोली एक देसी कट्टा एक टाटा सफारी स्ट्राम गाड़ी और 12 मोबाइल बरामद हुआ है बता दें आरोपितों में नगर थाना क्षेत्र के सभी शामिल हैं एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया है कि कुख्यात अपराधी बाबा परिहस्त के संगठित गिरोह के मुख्य सरगना शिवाशीष कश्यप उर्फ शिबू के निर्देश पर दस से बारह अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे संदिग्ध परिस्थिति में पीएमपीएल कंपनी के सहायक कर्मी की मौत से हंगामा मोतिया ओपी क्षेत्र स्थित अदानी पावर प्लांट के निर्माण कार्य में लगे निजी बीएमपीएल कंपनी में कार्यरत मजदूर तेईस वर्षीय प्रिंस कुमार की मौत रविवार तड़के करीब तीन बजे सुबह हो गई मृतक बिहार के भागलपुर जिला अंतर्गत चापर गांव का फेको सानी का पुत्र था बताया जाता है कि वह शनिवार शाम नाइट शिफ्ट में कंपनी का कार्य कर रहे थे काम के दौरान बेचैनी और शरीर से अत्यधिक पसीना आने लगा जिसके बाद उसकी हालत गंभीर होने लगी रविवार की सुबह कंपनी के, के मुख्य द्वार पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर एकत्रित होकर मुआवजा की मांग को लेकर हंगामा करने लगे गिरिडीह में एक एफआईआर ने खोली मानव तस्करी की पोल पैसा का लालच देकर नाबालिग बच्चों को शादी के लिए बेचने वाले अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह के बारह सदस्य पकड़े गए हैं सबको रविवार को जेल भेज दिया गया बता दें गिरफ्तार आरोपितों में एक नाबालिग भी शामिल है उसे बाल सुधार गृह हजारीबाग भेजा गया यह जानकारी पचम्बा थाना में मुख्यालय सहायक पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा ने दी एसएसपी ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों से नाबालिग बच्चों को पैसा का लालच देकर बाहर ले जाया जाता था अंतर्राज्यीय गिरोह की मिली भगत से उसे शादी के लिए मोटी रकम देकर बेच दिया जाता था बोकारो के दंपति ने डिग्री कॉलेज के लिए दान की पाँच एकड़ जमीन नावाडी प्रखंड के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रखंड में ही मिले उनको बाहर न जाना पड़े उनकी पढ़ाई बाधित न हो इस मकसद से भलमारा गांव के भुवनेश्वर महतो व उनकी धर्मपत्नी रेशमी देवी ने बड़ा फैसला लिया रविवार को दुर्गा मंडप परिसर में अपनी पाँच एकड़ रहती भूमि उन्होंने डिग्री कॉलेज के लिए दान करने की घोषणा कर दी इस मौका पर मौजूद राज्य की स्कूली शिक्षा एवं सक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो ने दोनों को माला पहनाकर कर स्वागत किया उनके कदम को समाज के लिए प्रेरणा बताया शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इलाके के लोगों का वर्षों का सपना महासप्तमी पर माँ दुर्गा के आशीर्वाद के रूप में पूरा हो रहा है डिग्री कॉलेज के निर्माण को भूमि ही बड़ी बाधा थी सरकारी भूमि पाँच एकड़ उपलब्ध नहीं हो पा रही थी इसलिए स्वीकृत के बावजूद कॉलेज निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा था बोकारो जनरल हॉस्पिटल में मरीजों को मिली क्यू आर स्कैन की सुविधा बोकारो जनरल हॉस्पिटल के मरीजों को अब डॉक्टर के राउंड की जानकारी मिल सकेगी बीजीएच में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत बीएसएल के, के डायरेक्टर इंचार्ज अमरेंद्र प्रकाश ने किया इस मौके पर अधिशाई निदेशक मुख्य महाप्रबंधक बी के वरीय चिकित्सा आदि उपस्थित थे बता दें भारत सरकार के डिजिटल हेल्थ मिशन के अनुसार यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चिकित्सा विभाग की सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए एक व्यापक सूचना प्रणाली <गण> है पाकुड़ में आगजनी के शिकार पीड़ित परिवार से मिले मंत्री आलमगीर आलम झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के सिरसा टोला इलामी और तारानगर गांव का दौरा किया इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने सिरसा टोला गांव में जाकर आगजनी के शिकार पीड़ित परिवार से मुलाकात की उन्होंने आगजनी के शिकार पिता पुत्र की मौत के बाद पीड़ित परिवार के परिजनों को ढांढस बढ़ाया उन्होंने परिजनों को हिम्मत देते हुए कहा है कि वह हर सुख दुख में साथ खड़े हैं किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर वह मौजूद रहेंगे उन्होंने परिजनों को यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुँचाया जाएगा उन्हें आवास पेंशन सहित अन्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा रांची के अल्बर्ट चौक को जाम से मुक्त के लिए सड़क होगी फोर लेन राजधानी के स्थली अल्बर्ट एका चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था सुगम होगी इसके लिए अल्बर्ट एका चौक से लाइन ट्रैक तालाब मार्ग और कमिश्नर ऑफिस से निबंधन कार्यालय होते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क तक की सड़क फोर लेन की जाएगी वहीं लाइन ट्रैक तालाब के पीछे से पुराना नगर निगम बिल्डिंग तक के मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने शनिवार को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए झारखंड के मदरसा में पढ़ाई की रुचि हो रही कम झारखंड के मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही है पिछले दस वर्षों में मदरसा से परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी की संख्या घटकर आधी से भी कम हो गई झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2013 की मदरसा की परीक्षा में कुल तैतीस हजार छह सौ पचास परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे जो वर्ष 2022 में घटकर कर बारह हजार छः सौ सात हो गए इन दस वर्षों में मदरसा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में पचास प्रतिशत से भी अधिक की कमी आई है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दे थैंक यू